Good morning everyone. In this video I'm going to explain to you your angles chapter, okay? So first of all let's begin with what are angles. Angles kya hote hai? So angles have three parts, that is arms, vertex and angle. Theek hai? Angle is made of two lines, do lines se ek angle banta hai, right? Which have a common point. ये जो पॉइंट है यहां से अगर दो लाइंस जाते हैं देन इट फॉर्म्स एन एंगल. द स्पेस बिटवीन दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइन के बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एन एंगल. ये जो पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है? वी कॉल दिस वर्टेक्स. इसको हम आर्म बोलते हैं और इसको भी हम आर्म बोलते हैं, ठीक है? ये दोनों हाथ है, बीच का जो एरिया है दैट इज द एंगल. जो ये पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ओके? सो अभी कोई एंगल का नाम होता है या नहीं? यस, होता है. और वो नाम हम कैसे लिखते हैं? लेट्स सी. से सपोज ये एक एंगल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो इसको हम बुलाएंगे एंगल. ये जो साइन है ये एंगल का साइन है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है? और या इसको हम बोल सकते हैं बी सॉरी सी बी ए, वी कैन कॉल दिस एंगल सी बी ए, ठीक है? ये उसका नाम है, नेम है. इसका अगर वर्टेक्स हम ढूंढना चाहे, वर्टेक्स क्या है इसका? वर्टेक्स जो ये कॉमन पॉइंट है दैट इज बी, ठीक है? एंड इसके आर्म्स क्या है, इसके हाथ क्या क्या है? इसके आर्म्स है ए बी और सी बी, ठीक है? ए बी और सी बी. रिमेम्बर यू कैन ऑल्सो कॉल दिस बी सी या बी ए. ए बी बी और बी ए एक ही चीज होता है, ओके? लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. सी सपोज आई हैव गिवन यू एन एंगल लाइक दिस, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, ठीक है? तो इस एंगल का नाम क्या होगा? आई एम गोइंग टू राइट हियर. नंबर टू का नाम है एंगल सी ए टी, ओके? सी ए टी. हम इसको सी टी ए नहीं बोल सकते, इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ओके? सी ए टी. और वी कैन कॉल इट टी ए सी, ठीक है? इसको हम टी ए सी भी बोल सकते हैं, एंगल टी ए सी. इसका वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स मतलब कॉमन पॉइंट इज ए, ठीक है? और इसके आर्म्स क्या है? सी ए एंड ए टी, सी ए एंड ए टी इसके आर्म्स है, और ये जो ए है वो उसका वर्टेक्स है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे टास्क पैकेट में विच यू विल हैव टू डू, ओके? ना नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड लाइन्स. आई नो कि हमने ये लास्ट क्लास लास्ट ईयर भी पढ़ा था, बट अ क्विक रिविजन अबाउट एंगल्स लाइन्स, नया पार्ट है. दिस एंगल इज कॉल्ड अक्यूट, ठीक है? दिस एंगल इज कॉल्ड अक्यूट, दिस इज राइट एंगल एंड दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. अक्यूट एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, उस 90 डिग्री से छोटा, रिमेम्बर, ओके? लेस देन 90 डिग्री. राइट एंगल इट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री एंड ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ओके? सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एंगल्स. लेट्स सी हाउ दे लुक, ओके? सो लाइक दिस, दिस इज 90 डिग्री. ये दो पेन्स 90 डिग्री बनाते हैं. इससे छोटा अगर होता है तो दैट इज अक्यूट एंगल, ओके? यहां से इस 90 डिग्री से जितना भी छोटा हो सकता है, एज इट गोज लेस 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 लेस, ये पूरा अक्यूट एंगल है, राइट? सो दिस इज अक्यूट, ये भी अक्यूट है, ये भी अक्यूट है. जब तक ये यहां तक नहीं पहुंचता, यहां से यहां जो भी एंगल्स होते हैं उसको हम अक्यूट एंगल बोलते हैं, ओके? ना इससे जब बड़ा होता है दे बिकम ऑब्ट्यूज. दिस इज ऑब्ट्यूज, दिस इज ऑब्ट्यूज, दिस इज ऑब्ट्यूज, दिस इज ऑब्ट्यूज. जब तक ये एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाता तब तक इट इज ऑल ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वी हैव पैरेलल लाइंस. इसको हम पैर पी ए आर ए डबल एल ई एल पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है? जब भी आप कोई भी दो लाइंस देखोगे, ठीक है, जो एकदम सीधे है और जो अगर हमने इनको बढ़ा दिया तो कभी नहीं मिलेंगे, मतलब ये दीज विल नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है? तो इसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. जैसे इफ यू सी दीज टाइल्स, ठीक है, ये टाइल का जो ऊपर का लाइन है
और ये जो नीचे का लाइन है एकदम स्ट्रेट है, ओके, वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, सो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, ओके. देन देर इज अनदर टाइप ऑफ लाइन दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, इसको हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये दो लाइन, अगर ये दो लाइन है तो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, अगर ये ऐसे भी है तो भी इंटरसेक्टिंग, अगर ये ऐसे भी है तो भी इंटरसेक्टिंग, ओके. कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसको हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं. सो हियर इस स्टाइल में देखो, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, ओके. नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन का एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिक्यूलर. परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है. सो अगर जैसे ये दो लाइन ने एक दूसरे को क्रॉस किया और ये जो एंगल बना वो 90 डिग्री है तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन्स. लेकिन अगर ये ऐसे क्रॉस किया है तो ये 90 डिग्री नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन. सिमिलरली यहां पे व्हेन यू सी ये दो लाइन, दिस इज, दीज टू आर परपेंडिकुलर लाइन्स, क्योंकि यहां पे ये 90 डिग्री बना रहे, राइट. सो नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाइंग एंगल्स. आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, राइट. सो अगर कुछ कुछ एंगल्स हम देख के बता सकते हैं, राइट, दिस इज अक्यूट, दिस इज ऑब्ट्यूस, दिस इज राइट, ये कौन से लाइन्स है, पैरेलल, ये लाइन्स देखो ये 90 डिग्री बना रहे, सो ये परपेंडिकुलर, और ये दो लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे तो दीज आर इंटरसेक्टिंग, राइट. नाउ अगर हमें ऐसे ड्रॉइंग नहीं करके दिया है तब अगर हमें पहचानना है तो व्हाट विल वी डू, 50 डिग्री का एंगल अक्यूट होता है, ऑब्ट्यूस होता है या राइट. सो लेट्स ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर जीरो से लेके 90 तक, मतलब 90 से छोटे तक होता है तो वो अक्यूट होता है, तो 50 जीरो से 90 के बीच में आता है, सो दिस इज अक्यूट, ठीक है. अगर वैसे ही हमें यहां पे 66 डिग्री दिया होता तो वो भी अक्यूट होता, अगर हमें इसे 89 डिग्री देते तो वो भी अक्यूट, क्योंकि ये 90 से छोटा है. वेन एवर देर इज एन एंगल दैट इज स्मॉलर देन 90, इट विल ऑलवेज बी अक्यूट एंगल, ओके. नाउ अगर वो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा, दैट मीन्स 90 से 180 के बीच में, देन वी विल कॉल इट ऑब्ट्यूस, राइट, उसको हम ऑब्ट्यूज बोलेंगे. सो अगर हमें 130 डिग्री मिला, ये 90 और 180 के बीच में है, राइट, 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, दिस इज ऑब्ट्यूज. सिमिलरली अगर कोई एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, एकदम 90 डिग्री है तो उसको हम राइट एंगल बोलते, वी कॉल दैट राइट एंगल, ओके. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एंगल्स. अगर आपको कोई भी डिग्री देगा, 33 जीरो और 90 के बीच में है, अक्यूट, 110 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा, ऑब्ट्यूस, और अगर 90 डिग्री है तो दिस इज राइट, ओके. सो ऐसे आपको पहचानना है. नाउ फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज ड्रॉइंग एन एंगल. एंगल को कैसे हम ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल है, लेट मी शो यू दैट. Alright, so to draw an angle, first let's see to draw 50 degree. 50 degree angle क्या करेंगे first draw करने के लिए, the first step is to draw a line, एक line draw करना है, okay. So I have drawn one line, वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए वो line. उसके बाद what will you do, you will put your protractor, ये जो protractor है इसमें you see this T या the center point, इसको हम इसके corner में रखेंगे, we will put it in this corner, okay. Now if you put it here, now आपको देखो यहां पे दो स्केल से, एक यहां पे जीरो से लेके 180 तक यहां जा रहा है, एक यहां से 180 से शुरू हो रहा है, राइट. लेकिन अगर हम इस साइड से एंगल बना रहे तो हमें ये
नीचे वाला देखना पड़ेगा जहां से जीरो से शुरू हो रहा है. सो वी हैव टू सी 0, 10, 20, 30, 40, 50. 50 यहां पे है, सो वी विल पुट अ डॉट हियर. ओके, नाइसली पुट अ डॉट हियर. रिमेंबर ये एकदम सेंटर में होना चाहिए. अभी इसको हटा के ये डॉट और ये लाइन को हमें ज्वाइन करना है, तो हम इसको यहां पे लेके विल पुट दिस हियर एंड ड्रॉ अ लाइन. सो द लाइन इज ड्रॉन. नाउ वी कैन चेक. इसको वापस इस कॉर्नर में रखना है. विल पुट इट हियर एंड चेक की एग्जैक्टली 90 है या नहीं. राइट, ये एकदम मैच हो रहा है हमारे 90 के साथ. राइट, तो अगर देन इट इज अ 90 डिग्री एंगल. सॉरी 50 डिग्री एंगल. ओके, इसको हम ऐसे मार्क करेंगे और उसको एक नाम देंगे. ए बी सी, यू कैन यूज एनी अल्फाबेट. सी डी बी जेड एक्स वाई. एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ऐसे हम लिखेंगे. ओके, लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ 110 डिग्री वेरी क्विकली. द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ लाइन. आई हैव ड्रॉन अ लाइन. सेकेंड स्टेप इज टू पुट दिस प्रोट्रैक्टर राइट हियर, एकदम कॉर्नर में अच्छे से. विल पुट द लाइन. अभी हमें 120 ढूंढना है. ओके, सॉरी 110 ढूंढना है. तो 110 कहां से ढूंढेंगे. देखो यहां पे ऊपर 110 है, लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे. रिमेंबर जब इस कॉर्नर से शुरू कर रहे हैं, हमें नीचे का स्केल देखना है. ठीक है, तो 0, 10, 20, 80 है यहां पे, 110 यहां पे है. राइट, सो वी आर गोइंग टू पुट द डॉट हियर. ये 110 के पास में पुट द डॉट हियर एंड देन इस डॉट को और इसको हम जोड़ेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू ज्वाइन देम. आई हैव ज्वाइंट बोथ ऑफ देम एंड देन यू आर गोइंग टू पुट टू एरोस. ये एरोस देना जरूरी है एंड आई एम गोइंग टू पुट अ नेम. सो डी ओ जी. ठीक है, यू ऑलवेज चेक ड्रॉ करने के बाद एक बार अपना एंगल चेक करो कि 110 है या नहीं. यस, ये एकदम 110 के ऊपर गिरा है. सी, सो दिस इज 110 डिग्री. राइट, सो यू गोइंग टू ड्रॉ एंगल डी ओ जी इज इक्वल टू 110 डिग्री. DOG is equal to 110 degrees. That's about it. Please solve all the questions in your task packet. Okay, thank you.